देख, हर साल हम इंसान लगभग 10 बिलियन किलोग्राम्स ऑफ कैफीन कंज्यूम कर जाते हैं। इसमें से ज़्यादातर क्वांटिटी हम कॉफ़ी के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं और बची हुई क्वांटिटी चॉकलेट, कैफीन पिल्स और कोल्ड ड्रिंक्स के फॉर्म में। कैफीन हमें अलर्ट, फोकस्ड और एनर्जेटिक बनाए रखता है, लेकिन कैफीन ज़्यादा कंज्यूम करने पर हमें स्लीप डिप्रिवेशन भी हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है और हम ज़्यादा एंग्शियस भी हो सकते हैं। यह दुनिया में सबसे ज़्यादा कंज्यूम किए जाने वाला ड्रग है। तो आइए ये समझते हैं कि कैफीन आखिर हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट डालता है। कैफीन प्लांट्स में इवॉल्व हुआ और प्लांट्स इसे कई तरीकों से यूज करते हैं, जैसे कि कुछ प्लांट स्पीशीज के लीव्स और सीड्स में हाई डोज में कैफीन इंसेक्ट्स के लिए जानलेवा साबित होता है। इस तरह कुछ प्लांट स्पीशीज कैफीन को अपने डिफेंस में यूज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ और प्लांट स्पीशीज में नेक्टर में कम डोसेज में कैफीन इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है और उन्हें उस प्लांट के लोकेशन को याद रखने में मदद करती है। इसकी वजह से उस प्लांट के पॉलिनेट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। हमारे शरीर में कैफीन एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। यह हमारे शरीर में प्रोड्यूस होने वाले स्लीप इंड्यूसिंग मॉलिक्यूल एडिनोसिन को ब्लॉक करता है और हमें जगाए रखता है। हमारे शरीर को फंक्शन करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है और यह एनर्जी हमें फूड को ब्रेक करने से मिलती है। फूड में मौजूद मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके हमारी बॉडी ATP या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम के मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करती है। इन्हीं मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके हमारी बॉडी एनर्जी रिलीज करती है। ATP के ब्रेक होने पर एनर्जी के साथ एडिनोसिन नाम का मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है और यह मॉलिक्यूल हमारे नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स के साथ इंटरैक्ट करता है, जिसकी वजह से ब्रेन को एक्टिव रखने वाले मॉलिक्यूल्स कम प्रोड्यूस होने लगते हैं और इसकी वजह से हमें नींद आने लगती है। कैफीन एडिनोसिन का न्यूरॉन्स के थ्रू रिसेप्शन ब्लॉक कर देता है। कैफीन और एडिनोसिन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर काफी हद तक सिमिलर होता है और इसीलिए कैफीन न्यूरॉन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है और एडिनोसिन न्यूरॉन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड नहीं कर पाता और इसकी वजह से हमें नींद कम आती है। कैफीन का इंटेक हमारे मूड को भी अच्छा बनाए रखता है। एडिनोसिन के न्यूरल रिसेप्टर्स कई बार डोपामिन के न्यूरल रिसेप्टर्स के काफी करीब होते हैं। डोपामिन वो केमिकल है जो कि हमारे मूड को अच्छा बनाए रखता है और हमें खुशी का एहसास कराता है। जब एडिनोसिन न्यूरल रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर लेता है तो फिर वह डोपामिन को बगल वाले न्यूरल रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करने नहीं देता। लेकिन वहीं जब एडिनोसिन की जगह कैफीन मॉलिक्यूल्स न्यूरल रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होते हैं तो कैफीन के छोटे साइज की वजह से डोपामिन भी न्यूरल रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो सकता है और इसकी वजह से हमारा मूड अच्छा हो जाता है। कैफीन हमारी बॉडी में फैट बर्निंग प्रोसीजर को भी इंक्रीज करता है और इसीलिए कई सारे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस कैफीन के इंटेक पर लिमिट लगाते हैं। इसके साथ ही कैफीन का रेगुलर इंटेक कई बीमारियां जैसे कि पार्किंसंस, अल्जाइमर्स और कुछ टाइप के कैंसर का रिस्क भी रिड्यूस करता है। लेकिन कैफीन का हमारी बॉडी पर सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता, कैफीन हमारे ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करता है और कैफीन के ज़्यादा कंजम्पशन पर हमें इंसोम्निया या स्लीप डिप्रिवेशन और एंग्जाइटी भी हो सकती है। हमारी बॉडी ज़्यादा कैफीन कंजम्पशन के साथ खुद को अडॉप्ट कर लेती है। जब एडिनोसिन के न्यूरल रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं तब हमारी बॉडी नए न्यूरल रिसेप्टर्स बना देती है और एडिनोसिन इन नए न्यूरल रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो सकता है और ब्रेन को एक्टिव रखने वाले केमिकल्स का प्रोडक्शन स्लो कर सकता है, जिससे हमें दोबारा नींद आने लगती है। इसलिए आप देखेंगे कि अगर आप कैफीन रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो आपको कैफीन की क्वांटिटी इंक्रीज करनी होती है सेम लेवल ऑफ अलर्टनेस बनाए रखने के लिए। और इसीलिए आप देखेंगे कि आप अगर कैफीन का इंटेक अचानक ही बिल्कुल रोक दें तो आप विड्रॉल सिम्टम से सफर करने लगेंगे। आपकी बॉडी में काफ़ी सारे न्यूरल रिसेप्टर्स बन गए होते हैं जिनसे एडिनोसिन बाइंड कर सकता है और ज़्यादा एडिनोसिन के न्यूरल रिसेप्टर्स से बाइंड होने की वजह से आपको टायर्डनेस, हेडेक और डिप्रेशन महसूस हो सकता है। लेकिन कैफीन न कंज्यूम करने के कुछ ही दिनों में ही ये एक्स्ट्रा न्यूरल रिसेप्टर्स गायब हो जाते हैं और आपकी बॉडी रीएडजस्ट करने लगती है। आप दोबारा से पहले जैसा ही महसूस करने लगते हैं। तो कॉफी जरूर पीजिए लेकिन एक्सेस में नहीं।
So that's it for today's video. Thanks for watching and stay curious. Thank you.